हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, स्मोकर, कैंप फायर और सोल कैंप फायर का फुल यूज़ बताने वाला हूँ। एंड इनसे जुड़ी जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैं सब आपको बताऊँगा। एंड इसमें आप कौन कौन से आइटम स्मेल्ट कर सकते हो, उन सभी के बारे में हम डिटेल वाइज बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% हर एक चीज़ सीख जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक कमेंट लेना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्फ गेमिंग कमेंट करते हैं कि जो फार्मर्स यानी कि जो ब्लेजर्स होते हैं उन्हें क्या डेली फूड देना होता है? तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें खाना डेली देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपना जुगाड़ खुद कर लेते हैं। बस आपको कैरेट या पोटैटो जैसी खेती करनी है, वहाँ पे कंपोस्टर लगाना है एंड अपना आप जो ब्लेजर है फार्मर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो खेती करना स्टार्ट कर देगा। एंड जून से वो खेती करेगा, वो जो भी मतलब फूड होगा वो खुद ही सभी ब्लेजर्स में सप्लाई करता रहेगा एंड इनकी ब्रीडिंग भी ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो उन्होंने फिर कमेंट किया कि जो उनका मतलब फार्मर है वो खेती नहीं कर रहा है, मतलब गाँव से इधर उधर भाग जा रहा है। तो भाई इसके लिए सिंपली आप हर एक जगह को जहाँ पे आप रहते हो उसको चारों तरफ फेंसेस से अच्छे से कवर कर दो एंड टॉर्चेस लगा दो ताकि कोई ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो। ठीक है गाइस, यही एक सलूशन है। एंड इसके बाद भी आपका फार्मर खेती नहीं करता है तो सिंपली जो उनसे आप उसे खेती करवाना चाहते हो ना, उसे एक बार वो चीज़ दे दो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने इसे पोटैटो दिए, ये ऑटोमेटिक फिर पोटैटो उगाने लगा। ठीक है, एंड आप परेशान मत हो, इसकी टाइमिंग होती है, ये ऑटोमेटिक खेती करता रहेगा। ठीक है, एंड फूड की जो सप्लाई होती है वो मतलब कंप्लीट करता रहेगा, ब्रीडिंग आपकी होती रहेगी, जो ब्लेजर से इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, टेंशन मत लो। सो फर्स्ट हम यूज़ सीखते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। तो माइनक्राफ्ट गेम के अंदर जितनी भी टाइप की ओर होती हैं यानी कि कच्ची धातुएं होती हैं जिन्हें हम रॉ मेटल्स भी कह सकते हैं, उनको स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ और के आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप कोल और आयरन और गोल्ड और ये सब आप जितने भी ये ओर के भी लिस्ट देख रहे हो इन सब का आप इसमें स्मेल्ट कर सकते हो। तो इन्हें स्मेल्ट करने के बाद मतलब जब आप आयरन ओर को स्मेल्ट करोगे तो आप आयरन इंगोट एंड ऐसे गोल्ड ओर को स्मेल्ट करोगे तो आप गोल्ड इंगोट एंड ऐसे अगर आप डायमंड ओर को स्मेल्ट करोगे तो आपको डायमंड एंड कोल को स्मेल्ट करोगे तो आपको कोल मिल जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हो बाकी की। सेकंड यूज है जितने भी टाइप के जो गोल्ड और आयरन के मतलब आइटम्स होते हैं जैसे कि पिकैक्स, एक्स और आर्मर हो गया, हेलमेट हो गया, इन सबको आप स्मेल्ट करके आयरन या गोल्ड नगेट में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड और आखिरी यूज़ है ब्लास्ट फर्नेस का, इससे आप किसी भी ब्लेजर को आर्मर की जॉब प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ब्लेजर की जॉब्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना दिया, आप उसे ज़रूर देखना। अब बात करते हैं हम स्मोकर के बारे में। तो स्मोकर का यूज़ सिर्फ फूड आइटम्स को कुक करने के लिए किया जाता है एंड फूड आइटम्स मैं आपको बता देता हूँ। तो फूड आइटम के अंदर जैसे कि रॉ फिशेज हो गई, रॉ मीट हो गया यानी कि रॉ बीफ, रॉ चिकन एंड ये लिस्ट आप देख सकते हो, जितने भी टाइप के मतलब रॉ मीट्स होते हैं आप इनको कुक कर सकते हो। एंड इसके साथ जो कैल्प होता है आप उसको ड्राइड कैल्प के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली इसका यूज़ करके। एंड सेकंड यूज है स्मोकर का कि आप इससे ब्लेजर को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो बचर वाली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैंने अलग से वीडियो बना दिए जॉब के ऊपर, तो आप उसे ज़रूर देखना। सो गाइस, अब आपको ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर का यूज़ समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करते हैं फर्नेस के बारे में। तो अभी मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, जो मतलब ओर के बारे में बताया जिसको आप ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्ट कर सकते हो एंड फूड आइटम्स के बारे में मैंने आपको बताया जिन्हें आप मतलब स्मोकर के अंदर कुक कर सकते हो, तो ये जो फर्नेस है ना, इसमें जितने भी टाइप के जो माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आइटम्स होते हैं स्मेल्टिंग वाले, उन सभी का यूज़ आप इस फर्नेस के अंदर कर सकते हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम हर एक चीज़ को मतलब इसी फर्नेस में स्मेल्ट कर सकते हैं तो हम ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर का यूज़ क्यों करें? तो इसका सिंपल सा आंसर है, टाइम सेव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ टाइम को अगर आप बचाना चाहते हो ना, तब आप ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी रॉ मेटल यानी कि जो ओर होती है अगर आप उन्हें फर्नेस के अंदर स्मेल्ट करते हो तो इसमें जो टाइम लगता है ना वो 10 सेकंड का लगता है। ठीक है, एंड वही चीज़ अगर आप ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्ट करते हो तो उसका आधा यानी कि 5 सेकंड लगता है। तो अगर आप आयरन ओर को फर्नेस के अंदर स्मेल्ट करोगे तो उसमें आपको 10 सेकंड लगेगा हर एक मतलब आयरन ओर को स्मेल्ट होने में, वहीं अगर आप ये चीज़ मतलब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करोगे तो सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, यानी कि जो फर्नेस है इसका आधा टाइम लगता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ऐसे ही अगर स्मोकर की मैं बात करूँ तो जो भी फूड आप स्मोकर के अंदर कुक करते हो उसमें जो टाइम लगता है ना वो आधा टाइम लगता है फर्नेस के
कंपैरिजन में, यानी कि अगर आप फर्नेस के अंदर जो मतलब रो बीफ हो गया या रो चिकन हो गया इन्हें अगर आप मतलब कुक करते हो तो इसमें जो टाइम लगता है ना वो 10 सेकंड लगते हैं, एंड वही अगर आप जब इसे स्मोकर में करते हो तो आपको आधा टाइम यानी कि 5 सेकंड लगता है। तो यही एक मेन कारण है एंड यही मेन अंतर है इन तीनों के बीच में। तो आप कभी भी कन्फ्यूज मत होना, इन सब का यूज़ मतलब आप फर्नेस के अंदर भी कर सकते हो, बट वो ये कि फर्नेस में आपका टाइम डबल लगेगा। सो गाइस, अब हम ऐसा आइटम की लिस्ट देख लेते हैं जो सिर्फ फर्नेस के ही अंदर स्मेल्ट होते हैं। तो सैंड को स्मेल्ट करके आप ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करके आप स्टोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, एंड स्टोन को मतलब स्मेल्ट करके आप इसे स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ऐसे ही आप ही पूरी लिस्ट देख सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है गाइस। एंड ऐसे ही आप नेदर रैक को ब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको डाई भी बता देता हूँ। ऐसे आप कैक्टस का यूज़ करके ग्रीन डाई बना सकते हो, एंड सी पिकल का यूज़ करके आप लाइम डाई बना सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको तीनों का यूज़ बता दिया, स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस का। एंड अब हम फ्यूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चारकोल, कोल एंड वुडन की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वुडन प्लैंक्स हो गए एंड वुडन की जो मतलब पिकैक्स हो गई या जो बो होती है वो हो गई, आप किसी भी मतलब वुडन की चीज़ का यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल। एंड इसके साथ साथ जो ट्रीज़ होते हैं अगर आप इन्हें भी मतलब फ्यूल के तौर पे यूज़ करोगे तो भी यूज़ हो जाएगा। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा आप चारकोल खुद बना सकते हो। सिंपली इसके लिए करना क्या होता है, ऊपर कोई सा भी लोग रख दो एंड नीचे फ्यूल के तौर पे कोई भी वुडन या कोल कुछ भी रख दो। सो ऐसा आप चारकोल खुद बना सकते हो। तो गाइस, अब हम कैंप फायर और सोल कैंप फायर का भी यूज़ सीख लेते हैं। तो चाहे सोल कैंप फायर हो या सिर्फ नॉर्मल वाली कैंप फायर हो, आप दोनों का यूज़ फूड को कुक करने में कर सकते हो, बट इसमें जो टाइम लगता है ना वो एक फूड को कुक होने में 30 सेकंड लगते हैं। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि फर्नेस ज़्यादा बेटर है कैंप फायर से, तो मैं आपको बता दूँ आप गलत हो सकते हो, क्योंकि फर्नेस के अंदर एक आइटम को कुक होने में 10 सेकंड लगते हैं, एंड कैंप फायर के अंदर ना आप एक ही बार में चार आइटम को मतलब कुक कर सकते हो, यानी कि 30 सेकंड के अंदर आपको चार आइटम कुक होके मिल जाएंगे, एंड वहीं पर ही आपको फर्नेस में 40 सेकंड के अंदर चार आइटम मिलेंगे। तो ऐसे तो आइटम कुक करने में फ़ायदा कैंप फायर पर ही है, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप कैंप फायर के अंदर कोई भी जो मतलब फूड होता है उसको जब आप कुक करते हो तो ऐसे में जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको नहीं मिलता, ठीक है। एंड कैंप फायर में एक और बेनिफिट होता है कि उसमें कुछ फ्यूल नहीं लगता, यानी कि आपको अलग से वुडन प्लैंक या कोल मतलब फ्यूल के तौर पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बस आप अपना फूड रखो कैंप फायर पे, वो ऑटोमेटिक कुक हो जाता है। बस इसकी यही एक कमी है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो आपको तो पता ही होगा कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आइटम को एन्चेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक्सपीरियंस ही लगते हैं। सो गाइस, मैं तो यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे बढ़िया स्मोकर का यूज़ करो फूड आइटम को कुक करने के लिए, क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो 5 सेकंड लगता है, यानी कि चार फूड आइटम के लिए सिर्फ आपको 20 सेकंड लगेंगे, एंड आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कैंप फायर का यूज़ आप एज अ सिग्नल भी कर सकते हो, मतलब कि इसमें जो धुआं उड़ता है तो काफ़ी दूर दूर तक का दिखाई देता है, तो ऐसे में जब आप थोड़ा दूर भी जाओगे ना तो आपको पता रहेगा कि मेरी लोकेशन वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ से धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो एज अ सिग्नल भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक तो जो सोल कैंप फायर है एंड जो कैंप फायर है दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है। तो गाइस, जो माइनक्राफ्ट में बीज होती हैं यानी कि जो मधुमक्खी होती है जो उनका हनी होता है, आप शहद इकट्ठा करने के लिए आप कैंप फायर का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या होता है, बी हाइव या जो बी नेस्ट होता है उसके नीचे सिंपली आपको कैंप फायर को रखना होता है, एंड आप हनी को ऐसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, इस टॉपिक पे तो मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्द, तो उसमें मैं और अच्छे से आपको बताऊँगा। तो ऐसे ही जो सोल कैंप फायर है उसका भी एक काफ़ी स्पेशल यूज़ है, वो ये है कि इसको जब आप नेदर वर्ल्ड के अंदर रखते हो तो जो पिगलिंस होते हैं वो सोल कैंप फायर के पास आते नहीं है, यानी कि अगर आप सोल कैंप फायर के पास खड़े होंगे तो पिगलिंस आपके पास नहीं आएंगे, एंड अगर आप उन पर अटैक वगैरह करते हो ना तो ऐसे में हो सकता है कि वो आप पे अटैक करने के लिए आ जाएं, बट अगर आप उन पर पहले अटैक नहीं करते हो तो पिगलिंस आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप सोल कैंप फायर के पास खड़े हो। वैसे तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नेदर वर्ल्ड के अंदर आप गोल्ड आर्मर पहन के जाओ, इससे होता ये कि जो पिगलिंस वगैरह होते हैं वो आप पे अटैक नहीं करेंगे पहले, एंड अगर आप बिना गोल्ड आर्मर के गलती से उनके पास चले गए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, भले ही आप उन पे अटैक करो या ना करो। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।